Hello everyone. In our today's lecture, we shall see the exercise number 7B of the textbook. Okay, in this exercise, we will have to solve the verb sums of equations. Okay, here you will not be given the equations directly. First of all, we will have to form the equations and then we will have to find out or take out its root or solution. Okay. नंबर्स और सम्स है, इसलिए आपको इक्वेशन उन्होंने फॉर्म कर दिया नहीं है, हमें करना पड़ेगा. एंड जब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा फिर हम उसका सॉल्यूशन या तो रूट फाइंड आउट कर सकेंगे. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज नंबर 7B एंड क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज इज ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 45. फाइंड द नंबर. कोई एक नंबर है जिसको ट्वाइस मतलब टू टाइम्स करेंगे एंड देन फिर उसमें से आपको डिक्रीज करना है 7. ओके, तो ऐसा करने से आपको कौन सा नंबर रिजल्ट में या आंसर में मिलता है, तो वो है 45. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फॉर्म द इक्वेशन एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन. ट्वाइस अ नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर वी विल हैव टू सपोज और लेट Let the number be x. सबसे पहले आप let कर लो कि जो नंबर आपसे पूछा गया है वो अननोन नंबर x है. ओके, अब taking twice of it. Twice means two times. Okay, that means it will be multiplied by 2. Taking twice of it is equals to 2 multiplied by x, that is 2x, and decreasing 7 from it. अब इसमें से आपको decrease क्या करना है, 7 मतलब minus करना है, 7 from it is equals to 2x minus 7. Okay, सबसे पहले एक number है उसको आपने twice किया मतलब 2 से multiply किया है and then उसमें से आपने 7 reduce किया है तो decrease किया है, तो वो हो गया 2x माइनस 7. तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 45. ओके, 2x कोई एक नंबर है उसमें से आप 7 अगर लेस करते हो तो आपको आंसर 45 मिलता है. तो ये हो गया आपका इक्वेशन. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशंस. 2x इज इक्वल टू 45 इक्वल टू भी लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव 7 है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, 2x इज इक्वल टू 52. अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा. ठीक है, 2 वन सा 2 एंड 2 26 सा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 26. द रिक्वायर्ड नंबर is 26. The required number क्या है, 26 है. अब आपको 26 मिल गया है, राइट मिला है कि नहीं ये आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको ये जो 26 मिला वो राइट मिला है कि नहीं मिला है. ओके, 2x means 226 है, x के बदले मुझे जो वैल्यू मिली है मैं लिख लूंगी. ठीक है, माइनस 7, 226 is 52. 52 minus 7 will give you 45. Is it? 45 आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया है. राइट हैंड साइड आपको 45 मिल रहा है. एंड यहाँ पे व्हेन यू आर कीपिंग और टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 26, यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन 45. इट मींस बोथ द साइड्स आपको जो आंसर्स मिल रहे हैं वो इक्वल है, मींस यू हैव फाउंड आउट द राइट नंबर. ओके, वेरीफाई करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको राइट नंबर नहीं मिला हुआ होता है आंसर में जब आप यहाँ पे नहीं पे गलती करते हो. ठीक है, सो वेरिफिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सम राइट नाउ, बट फॉर शो आपको खाली शो होने के लिए आप ये कर सकते हो रफली. ठीक है, नेक्स्ट नंबर में सी थ्राइस अ नंबर when increased by 5 gives 44. Thrice a number means 3 times.
द नंबर इज एक्स। जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है वो कोई अननोन नंबर एक्स है। आप एक्स के बदले कैपिटल नहीं लेकिन स्मॉल नंबर कोई भी वाई जेड ए बी सी कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, सपोज द नंबर इज एक्स। नाउ टेकिंग थ्राइस ऑफ इट, उसको थ्राइस करना है मतलब थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा थ्री इंटू एक्स दैट इज थ्री एक्स एंड इंक्रीज बाय फाइव। इंक्रीज मतलब इसमें आपको प्लस करना है, डिक्रीज मतलब आपने पहले वाले क्वेश्चन में माइनस किया था। ठीक है, तो थ्री एक्स प्लस फाइव इट गिव्स, जब आप थ्री एक्स में फाइव प्लस कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, इट गिव्स 44। तो ये इक्वेशन आपका होगा 3x plus 5 is equals to 44। ये होगा इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व करके रूट निकालेंगे, 3x plus 5 is equals to 44। Therefore, plus 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, 3x is equals to 39। मल्टीप्लाई 3 है x के साथ, उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी तो जो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 3 13 जा 39। देयरफॉर x is equals to 30। इट मींस द रिक्वायर्ड नंबर is 30. Okay, now we will move that to the next question, number 3. Third question, 4 added to twice a number. Okay, 4 isme add karna hai, koi ek number hai usko twice karke usme add karna hai. Theek hai, 4 will be added to twice a number. Twice means taking two times of it. Two से multiply करने के लिए number हम let करेंगे इसको. Okay? Let the number be x. ये सारे स्टेटमेंट्स आप लिखोगे तो कि आपको समझ में आएगा। जब भी आप अभी रिफर कर रहे हो या तो गो थ्रू कर रहे हो जब आप सम्स को, तो आपको ये सब लिखा हुआ पड़ा रहेगा तो ही समझ में आएगा। डायरेक्टली जो इक्वेशन फॉर्म करके आप लिख जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने वेरी विल गो थ्रू द सम्स। ओके, ट्वाइस ऑफ इट विल बी 2x। ओके, एंड एडिंग 4 टू इट उसमें आप 4 प्लस करोगे आपको 2x प्लस 4 बनाए, इट गिव्स 4 प्लस करने से आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 26/5। तो इक्वेशन क्या होगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 26/5। इक्वल टू की राइट हैंड साइड में जो 5 है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको ड्राइव करेंगे तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर में या तो मल्टीप्लिकेशन में। 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 26। डिवाइड वाला जो 5 है वो इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, 5 2 जार 10x प्लस 5 4 जार 20 is equals to 26. 10x is equals to 26 minus 20 plus 20 को मैं equal to की left hand side से right hand side में shift कर रही हूँ तो वो plus में से minus हो जाएगा। ठीक है, therefore 10x is equals to 6। अब ये जो 10 है वो equal to की left hand side से right hand side में जाएगा तो multiplication के बदले division में आ जाएगा। ठीक है, 2 3 are 6 and 2 5s are 10. Therefore, x is equals to 3/5.
The required number is 3/5. Question number 4. A number when added to its half. कोई एक नंबर है, फिर उसका हाफ करना है, ओके? तो लेट द नंबर बी एक्स, ओके? कोई एक नंबर एक्स है, फिर उसका हाफ करेंगे, तो वो हो जाएगा एक्स अपॉन टू, ठीक है? जिसका हम हाफ करते हैं, उसको हम डिनोमिनेटर में क्या देते हैं? टू. तो एक्स अपॉन टू एंड एक्स को आप ऐड करो. अ नंबर इज एडेड, अ नंबर एडेड हाफ x and x upon 2 को ऐड करना है, ओके? हाफ ऑफ इट, इसका हाफ क्या होगा? x upon 2, ओके? ये नंबर है, ये उसका हाफ है. अब इन दोनों को आपको प्लस करना है, ऐड करना है. x plus x upon 2 and it gives 72. Therefore, x plus x upon 2 is equals to 72. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम करना पड़ेगा. फ्रैक्शन से जब आप एडिशन करते हो तो आपको एलसीएम चाहिए. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, इसे मैं वन लिख सकती हूँ अपने हिसाब से. वन एंड टू का एलसीएम होता है टू, ओके? वन टू सा टू एंड एक्स टू सा टू एक्स प्लस टू अपॉन टू इज इक्वल टू 72. कॉमन डिनोमिनेटर और एल्स यू कैन से एलसीएम, ओके? एलसीएम जब मैं निकालती हूँ वन एंड टू का, तो मुझे टू मिलता है. एक्स अपॉन टू के पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी टू है, लेकिन यहाँ पे टू करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन टू करना पड़ेगा, ओके? तो मैंने टू अपॉन टू मल्टीप्लाई किया, इसलिए मुझे मिला टू इंटू एक्स टू एक्स एंड वन टू जार टू. टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x एंड टू जो डिविजन में यहाँ पे आपको दिया है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है? x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है? 3 × 3 एंड 3 × 24 = 72. x इज इक्वल्स टू 48. अब ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है, ओके? द रिक्वायर्ड नंबर इज 48. आपको वेरिफिकेशन करना है अगर, तो आप कर सकते हो. 48 एक नंबर है, उसका हम हाफ करेंगे. 48 का हाफ हमें क्या मिलेगा? 24, ओके? 48 + 24, ये करने से आपको क्वेश्चन 72 आंसर मिलता है, जो पहले से आपको दे दिया है क्वेश्चन में. तो आपने जो ये नंबर फाइंड आउट किया है 48 को, करेक्ट है, राइट है, ओके? नथिंग इज रॉन्ग इन दैट. नाउ नेक्स्ट वन वी विल सी इज नंबर 5. सी दिस होल सम्स आर वेरी न्यू टू यू ऑल, सो आई विल एडवाइज यू टू प्रैक्टिस देम मोर एंड मोर. जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है इसकी उतनी आप करोगे, ठीक है? बिकॉज ये सारे सम्स नए हैं एंड इम्पोर्टेंट एज वेल, इम्पोर्टेंट भी है आपके नेक्स्ट फर्दर स्टैंडर्ड्स के लिए. उसके ही टू थर्ड में ऐड करना है. अभी आपने जैसे हाफ में ऐड किया था,
वैसे हम उसका टू थर्ड करना है और उसमें ऐड करना है. ओके तो सपोज द नंबर इज एक्स जितना ज्यादा हो रहा है. और ये इसलिए मैंने प्लस किया. अब दोनों
45 दे दूंगी, ओके। 4 खाली इस साइड मल्टीप्लाई करके लिख लूंगी तो 1 नहीं बनेगा मेरा, क्योंकि फिर दोनों साइड में इक्वलिटी मेंटेन नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 45 ज्यादा हो रहा है वो प्लस कर देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x - x = 45 प्लस x का कहां पे था, इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे। अब मैं इसको इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में लेके आई हूं, इसके वो प्लस के बदले माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 1 विल गिव यू 3, 3x इज इक्वल्स टू 45। यहां पे मल्टीप्लाई का जो 3 है वो दूसरी साइड में जब जाएगा तो डिवीजन में नीचे आ जाएगा। 45 अपॉन 3, 3 1 सा 3 एंड 3 15 सा 45, therefore x is equals to 15। The required number is 15, okay। Now we will see the next one, question number 6, sorry, 7 number। A number is as much greater than 21, वो जितना 21 से ज्यादा है उतना ही एग्जैक्टली उतना ही वो 71 से कम है। कोई एक नंबर जो 21 से ज्यादा है, अब 21 से कितना ज्यादा है वो आपको कैसे पता चलेगा, कोई नंबर कितना ग्रेटर है या कितना स्मॉलर है वो आपको कैसे पता चलता है, व्हेन यू सबट्रैक्ट और फाइंड आउट द डिफरेंस इन बिटवीन द नंबर्स, ओके। कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं डायरेक्टली एडिशन ये डिग्री ऐड किए बिना ये टू नीचे ला सकती हूँ।
plus. So first I will have to add both the numbers and find out the sum, and then only I will be able to drag these two from the multiplication to the division. Okay, यहाँ पे अगर multiply की sign मुझे मिलती थी तो मैं ये two को direct ये दोनों numbers को multiply की 89 के नीचे लिख सकती, ठीक है? Now next one number 8. Two third of a number is less than the original number by 20. Okay, so सबसे पहले हमें let करना पड़ेगा answer number 8. Let or suppose anything you can write. Okay, मैंने textbook में नहीं लिखा तो क्या दिया है इधर question में let. Let दिया है आपको. Suppose कि आप लिख सकते हो and let also you can apply. Let the number be x. Okay? ये x को एक number है. अब देखिए two thirds of it. Two thirds of it is equal to 2/3x. Okay? अब आप इन दोनों को डिफरेंस करोगे. टू थर्ड ऑफ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20. ओरिजिनल नंबर ये है एक्स. ओके, एंड दूसरा नंबर जो आपने टू थर्ड दिया है वो उससे लेस है. कितना लेस है? तो अगर लेस है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेस एंड ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो? माइनस करते हो. लेस इतना है, आपको कब पता चलेगा कि ये इतना कम है मेरे से या इतना ज्यादा है मेरे से? जब आपने सब्ट्रैक्शन किया होगा तब. तो ओरिजिनल नंबर से टू थर्ड वाला जो नंबर है वो 20 जितना कम है. ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन. नाउ वी विल हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ 1 एंड 3. 1 3 जा 3 एंड x 3 जा 3x. 3x माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 20. Therefore, 3 minus 2 will give you 1, 20. यहाँ पे जो 3 division में है equal to के left hand side में, वो जब हम right hand side में लेके जाएंगे तो वो multiply में जाएगा, ठीक है? Therefore, x is equal to 60. The required number is 60. Number 9 of exercise number 7b. A number is 2.5 times of another number. If their sum is 70, find the numbers. कोई एक नंबर है
इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में जो फाइव डिवीजन में मिला उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो 70 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखने से पहले ही मैं 7 को राइट हैंड साइड में ड्रैग कर सकती हूं। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 70 इनटू 5 अपॉन 7 7 का 7 इन 7 टाइम 520 x के बदले में आपको क्या मिला है 10 5 50 एक आपको नंबर ये मिला। ओके, आपको ये दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, इन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है कि जिनका सम आपको 70 मिला है। तो एक नंबर आपने फाइंड कर लिया x इज इक्वल्स टू 50, दूसरा नंबर क्या हो सकता है तो दूसरा है 2/5x। तो x की वैल्यू जो आपको मिली है वो आपको लिखनी पड़ेगी 50। Here you will find out the value of x that we have to place here. 5 times are 5 and 5 times are 50. 2 times are 20. एक नंबर 50 हो गया and दूसरा नंबर 20. When you add 50 and 20, you get 70 in the answer. Okay? So this is why you can say that you have obtained the correct answer. थर्ड पार्ट होता है हम डिवाइडेड बाय थ्री कर देते हैं, फोर्थ पार्ट होता
ये हो गया आपका एक साइड का सॉल्यूशन। दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास? इक्वल्स। तो इक्वल्स के बाद की जो राइट हैंड साइड की पोजीशन है वो अब हम रीड कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 5। ये एक नंबर तो कॉमन ही है, उसका फिफ्थ पार्ट एक साइड में है हमने कर लिया, तो इसमें 5 प्लस करना है वो भी हमने कर लिया। अब इक्वल्स होता है मिडल में, इक्वल टू की साइड होती है एंड राइट हैंड साइड में दूसरा पार्ट होता है। तो दूसरे पार्ट के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है कि फोर्थ पार्ट ऑफ इट, one
के बाद एक आने वाला, एक भी गैप नहीं छोड़ना है। ओके कंसेक्यूटिव नंबर्स एक्स प्लस वन, जो भी एक्स होगा उसमें हम वन प्लस करेंगे उतना दूसरा नंबर होगा, ठीक है। तो इनका सम इन दोनों नंबर्स का सम आपको दिया है 62 और 63। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, एक्स एंड एक्स प्लस वन। ओके
इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ओके, एक नंबर एक्स है, दूसरा नेचुरल नंबर तो यहां होता था कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, देन वी कुड हैव पुट वन, लेकिन आपको दूसरा नेचुरल नंबर नहीं बोला है, काउंटिंग नंबर नहीं बोला है, दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला है, तो ऑड नंबर के बीच में टू 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 का गैप होता है, इसलिए हम प्लस वन नहीं करेंगे, प्लस टू करेंगे। ओके, एंड देयर सम इज एक्स प्लस टू, इट गिव्स कितना है इसका टोटल या आंसर, उस सम इज 76। अब यहां से ये जो इक्वेशन है वो मैं इनकम्प्लीट छोड़ रही हूँ, आप इसको खुद कंप्लीट कर, ठीक है, 76 x प्लस एक्स विल बी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 76। नाउ यू आर गोइंग टू गेट द आंसर फॉर दिस, यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑन योर ओन। ओके, ट्राई करना एटलीस्ट, सारे सबके सब में बोर्ड पे कंप्लीट करना नहीं चाहूंगी, तो आप कोई भी चीज ट्राई नहीं करोगे तो आपका मैथ्स अच्छा नहीं रहेगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई एटलीस्ट। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, नंबर 14, फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ओके, यहाँ पे आपको इवन इंटीजर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, इवन नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले पहले मैं इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिखा था, नंबर 2, 4, 6, 8, 10। ओके, 0 एंड 2 के बीच में कितना गैप है, 2 माइनस 0 दैट मींस 2 का गैप है। ओके, अब आपको चाहिए 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 होता था तो यहाँ पे चले जाना, अब 0 एंड 4 के बीच में कितना गैप है, 4 का गैप है। ओके, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए इसलिए पहले नंबर से दूसरे नंबर तक का गैप, एंड देन अगेन फर्स्ट नंबर से थर्ड कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का गैप कितना है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पहले जो इवन नंबर्स के बीच में 2 का गैप है, दूसरे सॉरी थर्ड एंड फर्स्ट पेयर ऑफ इवन नंबर्स जो है उसमें 4 का गैप है, तो हम जब लिखेंगे तब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर नंबर्स को अलग ऐड करोगे एंड जो वेरिएबल x है उसको अलग से ऐड करोगे। ठीक है, x प्लस x प्लस x 3x प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6।
तीन कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स फाइंड कर रहे हैं, मतलब तीन फाइंड कर रहे हैं, एक आपने कर लिया तो बाकी के दो किसे फाइंड आउट करोगे? x is equals to 28, therefore x plus 2 is equals to 28 plus 2, that is 30. Okay, and x plus 4 is equals to 28 plus 4, that is 32. अब आप इन दोनों तीनों नंबर्स का सम करके देख लो, आपको 90 आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आपके ये तीन नंबर्स जो फाइंड आउट किए हुए हैं वो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग. ठीक है, रिक्वायर नंबर्स आर 28, 30 एंड 32. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये तीनों इवन नंबर्स हैं. क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 8, 0 एंड 2 है, विच आर इवन इंटीजर्स. सो दिस 3 हैज टू बी इवन इंटीजर्स एंड ऑल ऑफ दिस सम नंबर्स व्हेन विल बी एडेड देन यू शुड गेट द सम 90 एज वेल. आपके पास दो कंडीशंस हैं, ये दोनों, ये तीनों नंबर्स इवन भी होने चाहिए और इन तीनों का जो सम जब आप कर रहे हो या एडिशन का आंसर जब कर रहे हो वो 19 होना चाहिए. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो राइट है. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 17. 15 नंबर ऑफ द एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू कैंसिल. ओके, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, सो आई शैल कैंसिल इट. I don't find it easy for you. You people will be not able to understand it. अगर आपको मैं वो एक सम समझाने चाहूँ कि 15 नंबर का, तो बाकी के 14 की जो थियोरी या लॉजिक है वो आप भूल जाओगे. It is better to cancel it. Okay, so 15 नंबर we are cancelling from exercise number 17 and 1 to 14 we have discussed in the lecture. And for today, we are at the 15 number sum, we are ending our lecture and thank you everyone for watching my video.